जवेरिया नाज है। मैं स्कूल टी एम आर एस कल्सो निर्मल की तालिबे इल्म हूँ। मेरी तकरीर में मेरी रहनुमाई आफरीन सुल्ताना मैडम ने की। अस्सलामुअलैकुम। 26 जनवरी हम सब के लिए एक अजीम मौका है, क्योंकि भारत के दस्तूर को इस दिन नाफिज किया गया था। तब से 26 जनवरी 1950 ईस्वी से हम हर साल योम जमहूरिया बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। भारत एक जमहूरी मुल्क है, यानी यहाँ हुकूमत अवाम के ज़रिए, अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए मुंतखब की जाती है। यानी अवाम को वोट के हक़ के साथ साथ मसावत का हक़, इजहार ख्याल का हक़, अपनी मर्ज़ी का पेशा और मज़हब अख्तियार करने का हक़ दिया गया। आइए अब जानते हैं कि आखिर हमारा दस्तूर कब और कैसे बना। इस दस्तूर को बनाने के लिए दस्तूर साज कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में कुल 299 अराकीन शामिल थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस कमेटी के सदर मुंतखब किए गए। इस कमेटी ने तकरीबन 3 साल में अपने काम को मुकम्मल कर लिया। हिंदुस्तान का दस्तूर दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर है, जिसमें 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे बाप दादा ने हमें अमन और खुशहाली की ज़मीन दी है, जहां हम पूरी रात बग़ैर खौफ के होते हैं और उस स्कूल या घर में लुत्फ अंदोज में होते हैं। हमारा मुल्क टेक्नोलॉजी, तालीम, खेलों और मुख्तलिफ दीगर शोबों के मैदान में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हमारे पास हमारी हुकूमत का सब इंतखाब और दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरियत से लुत्फ अंदोज होने का पूरा हक़ है। जी हाँ, हम आज़ाद हैं और मुकम्मल आज़ादी रखते हैं। ताहम हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है कि मुल्क के ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हम हमेशा अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें करेंगे और इसकी इज़्ज़त व आबरू में 4 चांद लगाएंगे। आओ मिलजुल के चलो यही काम करें, सब अखलास व मोहब्बत का चलन आम करें। इस अंदाज से हर दिल में उतरना होगा, काम भारत के लिए हमको करना होगा। अपने भारत को बुलंदी की तरफ लाना है और बहुत दूर तरक्की के लिए जाना है। जय हिंद।